हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी है ना शाम का टाइम हुआ है और शाम की वजह से हमारे सारे काम निपट गए हैं। और अब भी है ना सुमित गाड़ी लेके आए हैं। हमने ना अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी है क्योंकि उसको है ना 10 साल हो गए थे। डीजल की गाड़ी थी और 10 साल हो जाए ना जब डीजल की गाड़ी को दिल्ली NCR में नहीं चल सकती, तो पुरानी गाड़ी हो गई थी तो वो हमने बेच दी थी। 2-3 दिन हुए हैं बेचे हुए और उसके बदले में हमने गाड़ी ली है। नई तो नहीं है, पुरानी ही है, लेकिन हमारे लिए तो नई है। आज हमारे घर पहली बार आएगी तो अभी बाहर सुमित लेके आए हुए हैं तो मैं उसकी शोल करने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी गाड़ी की शोल करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी, चलो कैसी गाड़ी लेके आए हैं। तो शोल के लिए मैंने अपनी तैयारी कर ली है, वो डाल लिया है, मतलब सत्यम बनाऊंगी ना गाड़ी के ऊपर, और पानी ले लिया है और साथ में मिठाई ले ली है। घर पे ही मैंने लड्डू बनाए थे ना, चने वाले, बुगड़े वाले, तो वो लड्डू बचे हुए हैं तो वही रख लिए हैं दो। अभी तो मिठाई लेके नहीं आए क्योंकि सुमित लेट आए थे ना। तो ये देखो हमारी गाड़ी, देख लो भाई, ये वाली गाड़ी ली है हमने, थोड़ा सा ग्रे ग्रे कलर है। वाइट कलर की तो हमारे पास थी, अभी ग्रे कलर की ले ली है। तो अभी शोल्ड कर देती हूँ मैं। और अभी रात है ना, अंधेरे में थोड़ी कमी दिख रही होगी, कल सुबह मैं अच्छे से दिखा दूंगी, लेकिन अभी लेके आए थे तो वीडियो तो बनानी बनती ही थी। तो अभी पहले शोल्ड कर देती हूँ, फिर कल दिन में सुबह सुबह ही दिखा दूंगी मैं आपको, अच्छे से दिखेगी। अभी अंधेरे में इतनी अच्छे से नहीं दिख रही, पर कलर मेरे को इसका अच्छा लगा। आजकल तो इसी कार बन गई, बजा बजा के लेकर जाऊँ, एक आधा ब्रेकर होना चाहिए था गाड़ी में, सभी बजा ले जाऊँ गाड़ियों ने। हाँ, एक ब्रेकर होना चाहिए था, पहिए छोड़ा दे। आ जाए शेर, शेर के पीछे मांग ले। ऑनलाइन दो हजार का नोट दे दिया। कितने का दिया है? 2000 के तो बंद हो लिए। ना यू दबा रहा था एक। लो कर ले मीठा मुँह, ले ले जो अकेला ना खावे। कल अंधेरे में है ना सही गाड़ी नहीं दिखी। अभी मैं आपको दोबारा से अपनी गाड़ी दिखाती हूँ। दिन निकल आया, सुबह का टाइम है तो दिखा देती हूँ कैसी गाड़ी खरीदी है, कौन सा कलर है। कल अंधेरे में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, अभी दोबारा दिखा रही हूँ। ये देखो ये वाली गाड़ी है तो पुरानी पर हमारे लिए तो भाई नई है, अभी हमारे घर आई है पहली बार। ये देखो हमारी गाड़ी, मेरे को तो कलर सुंदर लग रहा है, वाइट वाइट कलर देख देख के ना बोर हो गए थे, अभी ये थोड़ा अलग कलर आ गया है ना, ग्रे ग्रे सा कलर है, ग्रे भी नहीं, थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप में अलग सा ही कलर है। देख लो कौन सा है, ये दिख रहा है जो फ़ोन में। उससे लंबी है थोड़ी सी, वो थोड़ी मतलब इससे छोटी थी पर ऊँची थी वो, ये थोड़ी नीची है, इस टाइप में ये गाड़ी है। तो ये वाली गाड़ी ली है हमने और अभी ये मेरे कपड़े सूख गए हैं, इनको उतार लेती हूँ फिर लगती हूँ कामों में, क्योंकि मेरे को आज टॉयलेट बाथरूम भी साफ़ करनी है, सिर धोना है ना, तो मैंने सोची आज टॉयलेट बाथरूम साफ़ कर दूँ। तो दीदी के आने से पहले ये सारे काम निपटा लूँ, पहले कपड़े उतार लेती हूँ, लेकिन तय बाद में करूँगी, पहले उतार के बेड पर रख देती हूँ, पहले अपना टॉयलेट बाथरूम साफ़ करनी और बाकी के जो साफ़ सफाई के काम है ना वो निपटा लेती हूँ। साफ़ सफाई के सारे काम निपटा के और नहा धो ली हूँ मैं और अभी नाश्ते पानी की तैयारी कर लेती हूँ। तो टमाटर ख़त्म हो रहे हैं, पहले दुकान पे जाकर टमाटर लेके आती हूँ फिर नाश्ता बनाऊँगी। और ठंड इतनी हो रही है ना, आज सिर धो लिया तो ठंड लग रही है, ठंडा ठंडा सिर हो रहा है। मेरे को तो है ना सबसे ज़्यादा ठंड सिर को और पैरों को लगती है, मेरा सिर इतना ठंडा रहने लग गया अभी से देख लो, तो मेरे को लग रहा है ना अगले महीने से तो मेरा टोपा पहनना शुरू हो ही जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड मेरे सिर को ही लगती है, इतना ठंडा रहता है अभी। और अभी सिर धोया ना, इतना ठंडा ठंडा लग रहा है। चलो बाल सुखा लेती हूँ और नाश्ता पानी बना लेती हूँ, पहले जाके टमाटर ले आती हूँ। और अभी है ना दोपहर का टाइम हो गया है तो लंच मैंने बना लिया है, और लंच में आज बनाए हैं दाल और राइस। ये देखो यहाँ राइस बन गए हैं, मैंने है ना दाल छोंकू थी कढ़ाई में, छोंक दी धोखे से, फिर इस कुकर में निकाल ली और उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में चावल बनाने पर, ये देखो यहाँ पे दाल बन गई है। चलो अभी लंच कर लेते हैं, दाल और राइस खाएंगे आज। और लंच हमारा हो गया है, खाना पीना हो गया, तो अभी बर्तन और साफ कर लेती हूँ। सर्दियों में ये बर्तन साफ करने बड़े मुश्किल होते हैं भाई, अभी तो ले ठंडे पानी से ही साफ कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा समरसीबल लगा हुआ है ना, तो सुबह से हम मोटर चला देते हैं तो इतना ठंडा पानी नहीं आता,
लेकिन जब ज्यादा सर्दी हो जाएंगे ना तब, वैसे तो गीजर लगा हुआ है लेकिन शुरू में ठंडा आता है तो उसमें भी हाथ देने का मन नहीं करता। बर्तन साफ मांजते हैं ना तब भी इतने ठंडे लगते हैं, तो सर्दियों में तो बर्तन साफ करने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन अभी इतनी शुरू नहीं हुई है, पर जब ज्यादा सर्दी हो जाएंगी तब तो हर चीज को छूते हुए ऐसे ठंडा ठंडा लगेगा ना, कोई भी काम करने का मन नहीं करता कंबल में से उठ के। पर क्या करें, 2-3 महीने की सर्दियां निकालनी पड़ेंगी। मेरे को तो है ना गर्मी अच्छी लगती है, सर्दियां अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, क्योंकि काम करने का मन नहीं करता ना सर्दियों में, इसीलिए मेरे को गर्मी ज्यादा अच्छी लगती है। चलो अभी मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, थोड़े से ही हैं, ज्यादा तो है नहीं, लंच के थोड़े ही बर्तन हुए थे। और लग गई हूँ मैं बर्तन साफ करने, और बर्तन साफ करने के बाद ना थोड़ी देर बैठूंगी, टीवी देखूंगी, क्योंकि चाय बनाने में अभी थोड़ा टाइम बचा है, तो मैंने सोचा इतना बना टीवी देख लूँ। और लेट तो जाते हैं ना एक बार सर्दियों में, अभी सर्दी हो गई क्योंकि हमारे घर में थोड़ी ठंड ज़्यादा है ना, तो बिना कंबल के ना लेटा जाता ना बैठा जाता, तो कंबल लेके ही लेटना पड़ता है या बैठना पड़ता है, तो फिर कंबल में से निकलने का मन नहीं करता, सर्दियों में ऐसा आलस आ जाता है। पर अभी मेरे पास है ना चाय बनाने का टाइम था, मतलब चाय बनाने में अभी टाइम था, तो मैंने सोचा बर्तन साफ़ करके थोड़ी देर टीवी देख लूँगी और थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी और उसके बाद फिर चाय बनाने लगूँगी। तो अभी कर लेती हूँ फटाफट बर्तन साफ। और अभी है ना शाम के 5 बज गए, तो मेरा हो गया है अभी चाय बनाने का टाइम। तो पूरा ही दिन काम में लगे रहते, छोटे छोटे दिन और रखे हैं, कभी चाय बनाऊँ, कभी लंच बनाऊँ, कभी ब्रेकफास्ट डिनर, तो इसी में पूरा दिन चला जाता है। बस अभी लंच किया था थोड़ी देर पहले, बर्तन वगैरह साफ करे, थोड़ी सी देर बैठ के टीवी देखा और अभी चाय का टाइम हो गया। और मम्मी तो है ना पार्क चली गई, बोली बोर हो रही, मैं तो थोड़ी देर बाहर घूम के आती हूँ, तो मम्मी पार्क घूमने चली गई, बस आती ही होगी 10 मिनट में, इतना मैं चढ़ा देती हूँ, सिम गैस करके रख देती हूँ, तो मम्मी आएगी तब तक बन जाएगी। मैं तो अभी जा नहीं रही पार्क में घूमने, क्योंकि मैं सुबह है ना उठते ही सबसे पहले पानी पी के, गर्म पानी पी के आधा घंटा यही बार वॉक कर लेती हूँ, वॉकिंग कर लेती हूँ, मतलब आधा घंटा रोज घूमती हूँ, तो इसलिए शाम को फिर मैं आलस कर जाती हूँ, क्या करूँगी सुबह तो घूम ही लेती हूँ आधा घंटा, इसलिए मैं शाम को नहीं जाती। पर मम्मी अभी गई है, आई जाएगी, बस एक ही चक्कर लगा के आती हूँ, क्योंकि कई दिनों बाद आज ही गई है, पहले एक बार गई थी, एक ही दिन जा पाई, फिर छुट्टी मार ली, आज फिर गई है, तो फर्स्ट वाले दिन तो मम्मी एक ही चक्कर लगाती है, एक राउंड तो 15-20 मिनट में लग जाता है, तो 10-15 मिनट हो ही गई मम्मी को जाए हुए, तो मैंने सोचा चाय चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि अभी 5 बज गए ना, फिर वही है डिनर का टाइम हो जाएगा, फिर डिनर बनाने लग जाऊंगी। तो बन गई है गर्मा गर्म चाय और मम्मी भी आ गई है पार्क से, तो छान लेती हूँ चाय और अभी सासू बहू दोनों बैठ के चाय के मजे लेंगे। आ जाओ आप भी हमारे साथ चाय पी लो, साथ में बिस्किट है और नमकीन है, टेस्टी वाली नमकीन, ये वाली नमकीन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मतलब पीनट है ना मसाले वाली, ये वाली बचपन में मैं बहुत ज़्यादा खाया करती, छुट्टी होती थी ना, मतलब जो आधी छुट्टी होती थी ना स्कूल की, तो यही लेके खाया करते, एक एक पैकेट ही नहीं ना इसी का, टेस्टी बोला करते, तो टेस्टी वाली नमकीन तो डाल ली है डिब्बे में, अभी चाय पी लेते हैं और इस व्लॉग का भी यही एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।